कराते हैं। राज्य से बड़ी खबर है, एजीसी प्रबंधन का दावा खोखला निकला। कंपनी में कर्मचारियों की टू डाउन स्ट्राइक अभी भी जारी है। तीनों प्लांट में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। आज दिन में वो मुख्यालय के समक्ष विरोध करने जा रहे हैं। 10 जनवरी को मुख्यालय समेत तीनों प्लांट में वो ताला भी लगाएंगे और जब तक बकाया वेतन को लेकर प्रबंधन स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तब तक उनका स्ट्राइक जारी रहेगा। कंपनी में पिछले 37 दिनों से स्ट्राइक जारी है। प्रबंधन ने 7 जनवरी को स्ट्राइक समाप्त होने का दावा किया था। प्रबंधन की अपील और दावा के बाद कर्मचारी भड़क गए कि आखिर झूठी दलील क्यों दी गई थी, झूठा दावा क्यों किया गया था और क्यों प्रेस नोट जारी किया गया था जबकि उन्होंने अभी तक अपना हड़ताल समाप्त नहीं किया है। अगर एचईसी प्रबंधन को इतनी चिंता एचईसी की है, कर्मचारियों की है, तो उनके बकाए वेतन का भुगतान पहले करें और फिर काम लेना शुरू करें। और इसी बात को लेकर अब एक बार फिर से जो कामगार हैं वो भड़क गए और उन्होंने एक बार फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और ये भी कहा है कि 10 जनवरी को मुख्यालय समेत तीनों प्लांट में ताला भी लगा देंगे। वो फिलहाल तो टूल डाउन स्ट्राइक चल रहा है, वो खुद ही ताला लगा देंगे। अगर एचईसी प्रबंधन यही चाहता है तो ताला लगा देंगे और किसी को आना जाना यहां पर नहीं करने दिया जाएगा। और शहरवाज इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, सीधे शहरवाज का रुख करते। शहरवाज, जो धरना प्रदर्शन की बात की जा रही थी, क्या वो शुरू हो गया है और कितने गुस्से में है कामगार? क्योंकि निश्चित तौर पर ये गुस्से वाली बात ही है कि प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से दावा किया गया था झूठा सा। जी हाँ बिल्कुल, और बल्कि ये एक तरफा दावा था प्रबंधन की ओर से, ये एक तरफा दावा था और एक अपील पत्र निकाल करके कि उसमें हम आपको एक महीने डेढ़ महीने का वेतन दे देंगे, 10 तारीख को आप हड़ताल तोड़ दें। लेकिन प्रबंधन ने किसी भी यूनियन को या यूनियनों को इसके लिए आमंत्रित नहीं किया, टेबल टॉक के लिए नहीं कहा, सिर्फ एक तरफा समझौता पत्र के लिए ये यूनियन जो इतने जमाने से संघर्ष कर रही थी। कल 37वां दिन कंप्लीट हो गया था इनके आंदोलन का, ये नहीं तैयार है। लिहाजा आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोग आंदोलन करने के लिए फिर से आ गए हैं और लगातार नारेबाजी शुरू हो चुकी है और नारेबाजी करते करते फिर अब अपने पुराने रुख में पूरे आंदोलन जो है वो पहुंच गया है। क्या हुआ, आप लोगों ने अपील पत्र को क्यों नकार दिया? देखिए, अपील जो होता है ना, एक प्रार्थना पत्र होता है, अपील सर्कुलेशन नहीं होता है। अपील को हम कह रहे हैं कि टेबल पर बैठ करके आप ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से बैठ करके इसको समझौता पत्र में शामिल कीजिए। समझौता पत्र जो होगा ऑफिस ऑर्डर होता है और उसमें सारे कुछ क्लियर होते हैं और द्विपक्षीय त्रिपक्षीय मामले होते हैं तो दोनों पक्ष बैठ करके समझौता करेंगे और समझौता में जो बातें होगी उस पर हम हस्ताक्षर करेंगे। ये जो अपील है ये मनमाने ढंग से हमके ऊपर फेंका गया है। इसमें कहीं ये क्लियर नहीं है कि आपको वेतन किस किस मद में दिया जाएगा। बता दूं आपको कि पिछले 7 महीना से मजदूर का वेतन जो है नहीं मिल रहा है यहाँ, तो मजदूर हम लोग 2-2 महीना का भी चाह रहे थे कि 3 किस्तों में दे करके इसको ख़त्म करें, तो प्रबंधन हमको एक लॉलीपॉप फेंका कि 1 महीना का भी दे रहे हैं और फिर लास्ट में महीना का आपको 15 दिन का फिर देंगे, फिर अगला महीना भी तो आएगा ना, और इससे तो गैपिंग मेरा और बढ़ रहा है। देखिए, इसमें किसी भी तरह का राजनीति नहीं है, कुछ विरोधी लोग हैं जो संगठन को और मजदूर को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और ये भूख की लड़ाई है। 7 महीना और 8 महीना से जो यहाँ के कर्मचारी, चाहे अस्थाई हो चाहे अस्थाई हो, जिनको सैलरी नहीं मिला है, वो भूखे पेट यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे हैं और कंपनी के हितैषी भी हैं, ये काम करना भी चाहते हैं। लेकिन प्रबंधन जो कल अपील निकाली है, आप खुद सोचिए कि ये अपील जो है, ये अपील लागू होगा कि नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये 10 तारीख को बोलते हैं कि सैलरी देंगे और बाकी 15 दिन का बोलते हैं कि लास्ट में देंगे। इसका इनको एक सर्कुलर, और जो भी यहाँ पर ट्रेड यूनियन के लोग हैं, संगठित हैं असंगठित हैं, सभी को बुलाकर और विश्वास में लेकर इस काम को करना चाहिए कि आज हम 1.5 महीना का तनख्वाह दे रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ में भी जो 1.5 महीना का तनख्वाह है वो आपका सुनिश्चित है, आपको समय पर ही डिमांड है आप लोग की। क्या ये जो है इसको इस तरह से जो मृत प्राय कर दिया गया है, इसके लिए कोई आप लोग डिमांड नहीं है कि जब यही नहीं बचेगा तनख्वाह कहाँ से मिले?
कि ये देखिए भारत सरकार की योजना है इसको बेचने का, ये कारखाना स्ट्रेटेजिक सेल में भी है और इसका भविष्य मार्च के बाद कुछ नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर बता देता हूँ। और हम लोगों ने सवाल किया था प्रबंधन के लोगों से कि क्या मार्च के बाद ये कारखाना चलेगा, कार्यशील पूंजी नहीं है, ऑर्डर है, तो बिना कार्यशील पूंजी के तो कारखाना चलेगा नहीं। ये लोग गए थे दिल्ली दरबार में, वहाँ गए रिवाइवल पैकेज मांगने, 100 करोड़ की गारंटी मांगने, वहाँ उन्होंने इनकार कर दिया। ये लोग बोला कि जमीन बेचने का हम मैंने हमको छूट दे दिया जाए, बैंक से गारंटर बनने का। तो आप बताइए कि जब भारत सरकार गारंटर नहीं बन रहा है और इसी का जमीन को बेचने का मतलब ऑर्डर नहीं पास कर रहा है, तो ये बोलता है कि अपने संसाधन से खड़ा हो जाओ। तो ये भोजपुरी में एक कहावत है कि बैलवा दिन भर चढ़ते रहा और जब नदवा पे ले करके गए तो दाना डाले और पगहवा छोट कर दिए, तो बेटा तो हिक के मरिए न जाएगा, एको भोजन तो लेगा नहीं। तो वही हाल इसका सरकार कर रहा है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि निजीकरण के खिलाफ हम लोग आवाज़ है और रिवाइवल पैकेज तुम दो। और इस राज्य सरकार से भी हम डिमांड करते हैं कि अगर केंद्र सरकार गंगी गुंगी और बहरी है तो राज्य सरकार इसमें आगे आवे और राज्य सरकार इसको पहल करे। और राज्य के अंदर का ये मामला है और जमीन जो है लैंड रेवेन्यू का मामला आता है और राज्य में अवस्थित ये कारखाना है, बगल में हमारे ही बिल्डिंग में भाड़े पर चलते हैं ये लोग। तो हेमंत सोरेन को शर्म आना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी 35 दिन से ये कारखाना के लोग, ये मजदूर लोग। तो शनवाज एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि जो कंपनी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था कि वार्ता जो है या समझौता अपने एक चरण में पहुंच चुका है, तो क्या सारे मजदूर जो है वो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग मजदूर काम पे लगे भी थे, क्या शुरू भी हुआ था, कुछ यूनियन काम तैयार भी हो गए थे, या ये झूठा प्रोपेगेंडा था प्रबंधन की ओर से? सवाल फिर से दोहराएं क्योंकि ये जी शर्वाज हम जानना चाहेंगे क्या कुछ मजदूर, वो जो दावा किया जाता है कंपनी की ओर से, क्या कुछ मजदूर काम पर लौटे थे, क्या कुछ यूनियन इस बात को लेकर तैयार हुए थे, या फिर पूरी तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा ही था कि मजदूरों का जो एकता है वो टूट जाए? अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ मजदूर काम पर लौटे थे ये उनकी अपील पर, कि फिर बाद में सब कुछ फिर बदल गया? नहीं, कोई दलाली के चक्कर में कुछ थे, लेकिन बाद में सभी समझदार हैं, बाद में पुनः सभी कोई वापस आ चुके हैं। कोई अब काम नहीं कर रहा? कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा ऑर्डर है क्या अंदर में, काम किस चीज का काम? ऑर्डर कुछ एक मशीन में सिर्फ ऑर्डर है, बाकी मैनेजमेंट से पूछा गया था कि आप फैक्ट्री को चलाना है तो आप रोड मैप एक बताएं कि किस तरह से मार्च के बाद चलाएंगे। मार्च तक का तो आप बता रहे हैं, लेकिन मार्च के बाद आप कैसे चलाएंगे सभी को यहाँ पर बताइए, सबके सामने बताइए कि क्या रोड मैप है, कहाँ से आप कार्यशील पूंजी लाएंगे, कहाँ से आप क्या क्या कार्य है आपके पास, हम सभी को बताएं, हम लोग जरूर उसमें साथ देंगे। लेकिन इनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं, ये इस पर कुछ अपना वक्तव्य दे ही नहीं पाए। चलिए ठीक है जी पंकज। चलिए बिल्कुल शर्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और वास्तु स्थिति से आपने अवगत कराया कि देखिए एचएससी में अभी हड़ताल जारी है, जो बात की गई थी, जो दावा किया गया था प्रबंधन की ओर से वो गलत साबित हुआ है, मजदूरों का हड़ताल अभी भी जारी है, अभी भी स्ट्राइक चल रहा है और सारे यूनियन और सारे मजदूर अभी एकजुट है, किसी तरह का दोफाड़ इसमें नहीं हुआ है। चलिए एक छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।